नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है कि मैम प्रीलिम्स तो हो गया है अब मेंस एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और उसका क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा इसके प्रीवियस एग्जाम से तो इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूं आपकी रिक्वेस्ट पे और सारे टिप्स जो मुझे लगते हैं कि जरूरी है इस एग्जाम के लिए वो मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताती जाऊंगी तो पूरे वीडियो में बहुत ही ध्यान से और धैर्य से बने रहिए और एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए तो शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम तीन दोस्तों को जरूर शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी बस गुरु दक्षिणा के तौर पे तीन दोस्तों को शेयर करें सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है और फिर सिलेबस को भी मैं सरसरी निगाह से एक बार आपको फिर से दिखा दूंगी तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो मेन्स एग्जाम होगा उसका टाइम ड्यूरेशन होगा थ्री आवर्स तीन घंटे का एग्जाम होगा सिलेबस दिया गया है मैं अभी देखूंगी उसको मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज तो हिंदी में कुछ नहीं लिखा होगा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगा टोटल मार्क्स वन फिफ्टी मार्क्स का ठीक है पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप और यही पर स्टूडेंट्स को चिंता है कि सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आप बता दीजिए तो मैं अभी पूरा आपको बताऊंगी इस पूरे वीडियो में बने टेस्ट no तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं जनरल से हैं ओबीसी से हैं शेड्यूल कास्ट से हैं शेड्यूल टाइप से हैं किसी भी कैटेगरी से हैं अगर आपको थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स कम से कम नहीं मिले हैं तो किसी भी हाल में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करेंगे 35 से ज्यादा जो मार्क्स जिनको मिले हैं उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और उनको फिर उन मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा अब कितने लोगों को कॉल किया जाएगा द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल विल बी बी इन टू टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज एडवरटाइज पोस्ट लेकिन कम से कम पैंतीस प्रतिशत मार्क्स आपको आने चाहिए अगर मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी में अकेले कैंडिडेट हैं और आपको थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स नहीं मिले तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा इसका मतलब यही है ठीक है थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स से कम आप लाएंगे तो आप गए

पर ये दोनों ही एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मेंस भी और इंटरव्यू भी क्योंकि इंटरव्यू में भी वो कह सकते हैं कि एक कट ऑफ मार्क्स आपको आना चाहिए वरना हम आपको नहीं ले सकते ऐसा वो कह सकते हैं बाद में ठीक है अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा अब सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आएंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिलेबस में पूरा पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि सिलेबस के ऊपर एक वीडियो में डिटेल पहले बना चुकी हूँ तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी जैसे इकोसिस्टम है एक यूनिट है ठीक है इकोसिस्टम के बाद जो अगली यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एक यूनिट है इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज फिर है बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल ये सारे हार्ड कोर इन्वायरमेंटल साइंसेस के टॉपिक्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम्स ये सारे मेन मेन टॉपिक्स हैं जो मैं एक बार आपको दोहरा दे रही हूँ आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स

अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए जब आपने मास्टर्स किया होगा एम किया होगा तो आपने एग्जाम में आंसर लिखा होगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एक बड़ा व्हाट आर द वेरियस एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स प्लीज एक्सप्लेन इस तरह से क्वेश्चन आता है या व्हाट डू यू थिंक व्हाई डू यू थिंक डैम्स आर अ प्रॉब्लम फॉर एन इकोसिस्टम डेवलपमेंट हाउ डू डैम्स डेम्सिस्टम तो इस तरह के डिटेल क्वेश्चन आपके पास आते हैं का एग्जाम लिखते हैं तो उस तरह से डिटेल क्वेश्चन आपके पास आएंगे टाइम ड्यूरेशन क्या है एग्जाम का मार्क्स कितने होंगे तीन घंटे का एग्जाम है डेढ़ सौ नंबर का मार्क्स है मैंने आपको अभी सही बता दिया कुछ और टॉपिक्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च ये सब सभी टॉपिक्स हैं सिलेबस में तो मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ प्रोडक्शन कंट्रोल ठीक है सिलेबस के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी तो ये सिलेबस है क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा और सैंपल दिखा देती जो दूसरे असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में दूसरे स्टेट में आया था उसका सैंपल मैं आपको आपको अभी ताकि क्लियर हो जाए कि आपके लिए भी इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे तो वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये ट्वेंटी में मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था तो उसमें तीन घंटे का पेपर था और डेढ़ सौ नंबर का पेपर था और ये आंध्र प्रदेश का पेपर है ठीक है तो वहां भी ऐसा ही एग्जाम हुआ था तो उस स्टेट का पेपर मेरे पास पास आया है कहीं से बहुत लोगों ने मेरी मदद मदद की इस पेपर को डाउनलोड करने में तो मैं आपको दिखा रही हूँ और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स के, के मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए दिखा रही हूँ तो आपको आइडिया लग जाए कि क्या होता है डू यू थिंक द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट सो मच नॉलेज क्रिएशन एज नॉलेज कंजम्पशन एंड साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस एस आर

तो ये डिस्कस कीजिए और क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का पेपर था तो ये उसको उन्होंने तेलुगू में ट्रांसलेट किया है और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ड्रामेटिकली इंप्रूव द क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्विक पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटेट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इलेबोरेट एक्सप्लेन वेरियस टेक्निकल इकोनॉमिक एंड सोशल बॉटलिक्स बॉटल मतलब जहां पे दिक्कत आती है अवरुद्ध बाधा जाम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स इन इंडिया तो ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स क्या है और एक्सप्लेन हाउ आत्मनिर्भर भारत इनिशियटिव इज ब्रिंगिंग अग चेंज इन इंडिया आई टी सेक्टर टू बी टेकन टू मेक इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब आई टी से जुड़ा क्वेश्चन है और ये जो पेपर है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है ये आपको दिखा रही हूँ तो जिस तरह से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जब वो इन्वायरमेंट का पेपर आएगा तो इस तरह से आएगा लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इन्वायरमेंट सेंट्रिक होंगे करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो मैंने आपको बताया था फाइव टिप्स लास्ट मिनट टिप्स फॉर एचपीएससी स्टूडेंट्स वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसको भी देख लीजिएगा तो आपको और मदद मिल जाएगी कि मीनस के प्रिपरेशन में भी कहा से क्या करंट अफेयर्स आपको पता लगेंगे वो सारा उस वीडियो में है तो उसको भी देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज जो इस एग्जाम से जुड़े हैं जो मीन्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं

तो इसके बारे में क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन एनर्जी अगेन वेरी गुड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है टिपिकल एनवाइरमेंट का क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी क्या होती है डिस्कस अबाउट द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स एंड ए नीड इन इंडिया ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है ग्रीन ग्रीन एनर्जी एनर्जी कॉरिडोर क्या होती ये सब ठीक है क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल कंसर्न विच नीड्स अर्जेंट इंटरवेंशन टू कम इट एक्सप्लेन वाई डिस्कस हाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मिटिगेट्स द मिटिगेट्सिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के बारे में है ग्लोबल कंसर्न क्यों है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है और उसको वो कैसे क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद करता है इस पर एक क्वेश्चन है तो ये सब आपको पता होना चाहिए इज मेंट ओपन कास्ट माइनिंग डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग ऑन एनवायरमेंट एंड इन्वास टू ओवरकम दैम ओपन कास्ट माइनिंग के इलेक्ट क्या होते हैं उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है एड अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट माइनिंग रिक्लेमेशन और पोस्ट माइनिंग रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं कि माइनिंग जब माइन मा, को जब हम बंद कर देते हैं यूज करने के बाद उसके बाद उस जमीन को कैसे रिक्लेम करें कैसे फिर से हरा भरा करें उसके बारे में क्वेश्चन है हार्ड कोर नॉर्मल पूछे जा सकते हैं वॉट आर मिटिगेशन एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लोअर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट अंडर पैरिस अग्रीमेंट ठीक है तो मिटिगेशन एक्टिविटी बाय बाई गोअर सीओ टू मिशन क्या हो रही है और कार्बन क्रेड की ट्रेडिंग कैसे हो रही है पैरिस अग्रीमेंट के तहत ये सब क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे एक्सप्लेन वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डिस्पोजिंग ऑफ मैसिव ऑफ मैं सॉलिड वेस्ट डिस्कस एक्शन प्लान फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया फॉर सिटीज जनरेटिंग वेस्ट मोर देन फाइव हंड्रेड टर्स पर डे मतलब बड़े शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या एक्शन प्लान चल रहा है उसके बारे में बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो भी एक्शन प्लान चल रहा है स्वच्छ भारत उसको आप पढ़ लीजिए स्वच्छ भारत अभियान पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वही है स्वच्छ भारत पे, पे है वो घुमा पूछा है रिस्क इट पोजेज आर कंसर्न डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी का फायदा भी है नुकसान भी है उसको डिस्कस करना है फिर और या तो ये क्वेश्चन आंसर करें या फिर ये वाला वाई इज इकोटो के लिए इस्तेमाल किया, किया जा रहा है और चैलेंजेस क्या आती है इसमें इकोटोरिज्म में इकोटोरिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलावा वाई इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गेटिंग वर्स इन इंडिया डिस्कस स्ट्रैटीज एंड एक्शन प्लांस इन इंडिया टू डी विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो शरीर में के होता है वो क्या होता है और वो इंडिया में वर्स होता जा रहा है बुरा होता जा रहा है और लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है इंडियंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मतलब उस पर उनपे एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करते हैं तो ये कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है इसको डिस्कस करना है इसके अलावा फिर क्वेश्चन है या तो ये आंसर कीजिए या फिर ये आंसर कीजिए बायो पेस्टिसाइड्स आर स्लोअर इन एक्शन कंपेयर टू कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स विध शॉर्ट ऑफ असिस्टेंस एंड सक्सेप्टेबल टू अनफेवरेबल इन्वयरमेंटल बट स्टिल इज टू शिफ्ट बायो पेस्टिसाइड्स एक्सप्लेन वाई तो बायोपेस्टिस के बारे में सवाल है कि स्लो एक्शन होते हैं और उनका परसिस्टेंस जो है वो एनवायरमेंट में थोड़ी देर के लिए होता है खत्म हो जाता है और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में शायद वो काम भी ना करें फिर भी बायोपेस्टिस की तरफ हमें झुकाव करने की जरूरत है क्यों क्योंकि बायोपेस्टिस इको फ्रेंडली होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं इसलिए उस क्वेश्चन को इलेबरेट करना है क्वेश्चन नंबर नाइन द नंबर ऑफ पैटर्न ग्रांटेड इन इंडिया स्टिल अ फ्रैक्शन कम्पेयर टू चाइना एंड यूएस Even though India's global position in innovations has been rising over the years, होती है, है चाइना और यूज के ऐसा क्यों है जबकि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो काफी अच्छी बढ़ रही है तो अभी टाइम लगेगा हमें उसमें या तो फिर वॉट आर द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन ऑफ इंटलेक्चुअल इन इंडिया डिस्कस रोल ऑफ सीपैम Of तो ये है, क्या होता है? उसका रोल का मतलब पता होना चाहिए तो, तो आप कुछ लिख पाएंगे तो ये आप, आप जो है करंट अफेयर देख लीजिएगा करंट अफेयर कहा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है उसमें डिस्कस कर रही हूँ उसको प्लीज देखिएगा

वो सही उत्तर नहीं है इस प्रॉब्लम का सही उत्तर है कि आप जमीन का सही उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उस पर ले और फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरह से सही करें ताकि अनाज कहीं पर सड़े नहीं बर्बाद ना हो वो अनाज सही लोगों तक पहुंचे ये तरीका है तो इस पे आपको टिप्पणी करनी है दस नंबर का ये भी क्वेश्चन है वाई इज या फिर आप इस पर टिप्पणी करिए करिए वाई इज मॉनिटरिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग क्रूशियल डिस्कस द रोल ऑफ इसरो इन द वेदर प्रोडिक्शन एंड कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट

तो ये सभी जरूरी इस तरह से से जो मैंने आपको रहा होगा अगर कुछ नहीं समझ में आया या कोई और सवाल है तो में चेक आउट इसके अलावा कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी और क्या क्वेरी है या और क्या डाउट्स रह गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज जो इस एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैं आपको दे रही हूँ उसको जरूर देख लीजिए एक बार और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट जय हिंद जय भारत